सुबह उठे पूरी मोटिवेशन के साथ और अब ये सोचा कि अब तो कॉन्टिन्यूस पढ़ूंगा 1 से 2 घंटे बिना रुके। बट थोड़ी ही देर बाद फोन का एक नोटिफिकेशन बचा। एक हेल्दी माइंड के लिए 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। या फिर थोड़ी देर बाद आपको नींद आने लगी जिस वजह से आपका पूरा का पूरा दिन इन्हीं सब चीजों में निकल गया। अब ये सिलसिला यहाँ पर रुकता नहीं है। जब आप पूरा दिन अपना खराब कर देते हो इन सब चीजों की वजह से तो फिर रात को आपको रिग्रेट होता है। नहीं होता यार मुझसे। पढ़ाई बेकार बेकार ख्याल आते हैं और फिर डर लगने लगता है कि एग्जाम इतने नजदीक है, आखिर कैसे मैं अपना इतना बड़ा सिलेबस खत्म कर पाऊंगा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज ज्यादा बड़ा इंट्रो नहीं दूंगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। क्योंकि ना आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है कि भैया हम पढ़ने बैठते हैं पर थोड़ी देर बाद हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। अब देखो यार, मैंने लाखों बच्चों से बात करी है एंड मुझे कुछ 5 ऐसी मेजर प्रॉब्लम मिली है जिनकी वजह से आप ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते। देखो उसकी जो सबसे बड़ा जो मेजर रीजन पता है क्या है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं और 10-15 मिनट बाद उनको नींद आने लग जाती है। उनकी फोकस की जो पावर है वो इतनी कम है कि 10-15 मिनट बाद उनको बिल्कुल नींद आने लग जाएगी या फिर वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे। इसका दूसरा रीजन ये है कि हम ना प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब क्या है कि हम ना जब हमें कोई चीज टफ लगने लगती है, इमेजिन करो मेरा एक टफेस्ट सब्जेक्ट है मैथ, मुझे वो समझ नहीं आता और मैं मैथ पढ़ने बैठूंगा तो मेरा ब्रेन मुझसे कहेगा कि मैथ आज मत पढ़ कल पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है कि हम ज्यादा देर बैठ नहीं पाते क्योंकि हम प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाते हैं। अब देखो तीसरा रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि है ब्रेक्स। अब देखो होता क्या है ना, इमेजिन करो आपने आधा घंटा पढ़ा और उसके बाद आपने ब्रेक लिया। ब्रेक लेने में आप थोड़ा सा टहलने गए या फिर आपने फोन चेक कर लिया। अब आपने फोन केवल 5 मिनट के लिए चेक करा था बट आपको पता ही है इंस्टा रील और यूट्यूब शॉर्ट्स के जमाने में वो 5 मिनट 2 घंटे में कब बदल जाते हैं हमें पता नहीं लगता। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि भैया हम ब्रेक्स लेते हैं बट वो ब्रेक्स बहुत लंबे ब्रेक्स में बदल जाते हैं। और लास्ट पॉइंट पता है क्या है, लास्ट पॉइंट है रिग्रेट। अब होता क्या है जब हम अपना पूरा दिन खराब कर चुके हैं तो हमारा जो ब्रेन है ना हमसे कहता है अरे मूर्ख, अरे पागल, तूने अपना पूरा दिन खराब कर दिया, अब तू क्या कर पाएगा, तेरा एग्जाम इतना नजदीक है। तो हमें फियर होने लगता है, हमें डर लगने लगता है यार भाई हाँ एग्जाम इतना नजदीक है मैं तो कुछ नहीं कर रहा। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से हम क्या नहीं कर पाते, लॉन्ग सिटिंग नहीं कर पाते या फिर लॉन्ग आवर्स के लिए नहीं पढ़ पाते। अगर ये सारी प्रॉब्लम आप सभी के साथ भी आ रही है ना तो ये वाली वीडियो आपके लिए। ये जो मैंने अभी सारी प्रॉब्लम डिस्कस करी 1-to-1 उठाएंगे और इन सबका सोल्यूशन निकालेंगे। चाहे आप जेईई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर आप 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप पढ़ने बैठते हो और आप ज़्यादा पढ़ नहीं पाते या मतलब आपका जो फोकस पैन है आप थक जाते हो, वो वाली चीज़ आप सभी के साथ अगर हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए। अब देखो हम डायरेक्ट आते हैं सोल्यूशन पे बट इस सोल्यूशन को मैं एक अलग अंदाज में स्टार्ट करता हूँ एक स्टोरी के साथ। इमेजिन करो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। मेरे पास एक मेटल शीट है, एक पतली सी लोहे की शीट है काफी लंबी, और मैं उसको जमीन पर रख दूं और मैं तुमसे कहूं कि इधर से चल के इधर जाओ, तुम चले जाओगे? हाँ भैया चले जाएंगे, उसमें क्या है, ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा हाँ ठीक है आसान बात है। अब देखो वही मेटल शीट, वही पतली सी शीट जो कि इतनी लंबी थी, उसको मैं एक बिल्डिंग जो कि 100 फ्लोर वाली बिल्डिंग है उसके ऊपर जाकर रख दूं। मतलब इमेजिन करो दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ये है एक ये है, इनके बीच में मैं इस मेटल शीट को रख दूं, इनके बीच में पतली सी मेटल शीट को, और मैं तुमसे कहूं देख यहां से चल के जाए यहां तक, क्या तुम चलोगे? 99% लोग नहीं जाएंगे। क्या उनको मैं 1-2 लाख रुपए दूंगा तो भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहां पर हमें डर लग रहा है। बट ध्यान से समझना, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि जो दूसरी वाली बिल्डिंग है, ये वाली जो बिल्डिंग है, इसके अंदर तुम्हारे माता पिता या फिर तुम्हारे भाई बहन कोई है और तुम्हें उन्हें इस बिल्डिंग से बचाकर इस बिल्डिंग में लाना है क्योंकि इस बिल्डिंग में आग लगी, तो तुम भागे भागे जाओगे और उन्हें बचा कर और तुम इस चीज के मुझसे पैसे भी नहीं लेते। सही बात है ना? तो देखो कंडीशन सेम थी, सिचुएशन सेम थी, बट पहले तुम उस सिचुएशन में जाने को तैयार नहीं थे, बट जैसे ही मैंने कंडीशन लगाई कि वहां पर तुम्हारे कोई क्लोज्ड है, मतलब वहां पर तुम्हारे कोई माता पिता या फिर कोई और है, तो तुम भागे भागे गए और उनको बचा कर आ गए। इससे क्या बताना चाह रहा हूं मैं, इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं मेरे मित्र, यार देख लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है जब तुझे तेरा वाई मिल जाएगा। वाई, WHWHY, ये जिस दिन तेरा ये मिल जाएगा तेरे को सब कुछ आसान है। सेम कंडीशन में तुम जाना नहीं चाहते थे बट जब तुम्हें एक रीजन मिला जाने का तो तुम उस पतली सी शीट के ऊपर चल के जाओगे। अब ये सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ है पढ़ाई में,
आजकल तुम्हारा मन नहीं लगता पढ़ाई में, तुम्हें ऐसा लगता भैया ज्यादा देर बैठ नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है। तुम्हें पढ़ना क्यों? तुम्हारा जो गोल है तुम्हें अचीव क्यों करना? सबसे पहले खुद का वाई क्लियर करो। क्या है वो रीजन? तुम्हें अपने पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाना है, तुम अपने रिलेटिव्स को प्रूव करके दिखाना है, तुम अपने स्कूल में टॉप करना है, कोचिंग में टॉप करना है, अखबारों में फोटो आनी चाहिए भैया। जो भी तुम्हारा वाई है, करोड़ों रुपए कमाने हैं, बुगाटी खरीदनी है, मर्सिडीज, जो भी तुम्हारा रीजन है मुझे नहीं पता, बट अपना वाई क्लियर करो। और वाई क्लियर कैसे होगा? आज इस चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर तुम अपना वाई लिख के जाओगे, तुम्हारा रीजन क्या है, जो भी तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो तुम क्यों क्रैक करना चाहते हो, उसके अंदर तुम क्यों टॉप करना चाहते हो, तुम्हारा क्या रीजन है, उस वाई को आज तुम कमेंट में लिखोगे। क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि जब तुमने एक चीज को कहीं पर लिख दिया होता है ना तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो छप जाता है। तो क्या करना है? आज कमेंट में लिखना। तो ये तो था हमारा पहला पॉइंट कि आपको अपना वाई क्लियर होगा। अगर आपको अपना वाई क्लियर है तो आपकी 50% समस्या खत्म हो गई। अब चलते हैं हमारे सेकंड नंबर पॉइंट की तरफ। अब देखना आपका जो सेकंड नंबर पॉइंट है वो क्या है। आपका सेकंड नंबर पॉइंट है कि आपको डेली टाइम टेबल बनाना है। देखो आप क्यों नहीं पढ़ पाते, मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि आप ना वीकली टाइम टेबल बनाते हो, शायद आप बनाते होगे कि भैया मुझे आज 12 घंटे पढ़ना है, भैया मुझे आज 14 घंटे पढ़ना है, भैया मुझे आज 6 घंटे पढ़ना है। ये सबसे वाहियात तरीका है। अपने हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ टाइम टेबल मत बनाओ। क्या करें भैया? रोज रात को सोने से पहले अगले दिन का लिख दो कि मुझे आज ये 4 टॉपिक करने हैं, लिख दो फटाफट से। डेली का काम डेली करना है हमें ना। अपने माइंड को चुनौती देनी है। क्या चुनौती देनी है? आप पढ़ने बैठो और अपने माइंड को बोलो कि ये है मेरा साइंस का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं जब तक नहीं उठूंगा, जब तक मैं इस चैप्टर को पूरा नहीं निपटा दूंगा, जब तक नहीं उठूंगा, चाहे उसमें फिर 15 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, फर्क नहीं पड़ता। अपने माइंड को चुनौती दे दी कि ये एक चैप्टर है जो कि मुझे अभी निपटाना है, इसके बाद ही मैं अपनी स्टडी टेबल से उठ के जाऊंगा। अब भैया इसमें प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? कि आपका माइंड आपसे बार बार कहेगा कि अरे यार फोन चेक कर ले, अरे यार ये देख ले, अरे यार वो देख ले। तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल में लाओगे? 5 मिनट और स्ट्रेटजी क्या है? बहुत सिंपल सी है। देखो जब भी आपका मन आपसे कहे ना कि देख फोन चला ले, अरे यार मूवी देख ले, अरे यार बाहर चले जा, तो उसको बोल, ब्रेन को मना मत करो। ब्रेन को ये मत बोलो कि नहीं मैं तो तेरी बात नहीं मानूंगा। उसको बस इतना बोल, 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ, केवल 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ, फिर बाहर चला जाऊंगा। 5 मिनट और, ये जो 5 मिनट और वाली स्ट्रेटजी है ना, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि तुम्हारे ब्रेन को बहुत स्ट्रांग बना देगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को समझ आ जाएगा कि यार ये तो ना मुझे बहुत बेवकूफ बनाता है यार, बार बार 5 मिनट और करता रहता है और उससे बहुत ज्यादा पढ़ लेता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है भैया पढ़ना क्या है? तो देखो वैसे सारे एग्जाम बहुत नजदीक है, बट स्पेशली बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, 10th या 12th दोनों के, और बहुत कम टाइम बचा है। देखो अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, 2 चीजें जो तुम्हें करनी है वो सभी के लिए स्ट्रेटजी जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर, ये 2 चीजें तुम्हें करनी है एट एनी कॉस्ट। और तुम मुझसे पूछोगे भैया कि यार भैया कोई बुक वगैरह बता दो जिससे कि हमें चीज हमें इजीली मिल जाए, तो एक बुक मैं तुम्हें बता देता हूँ जो कि है मेरे पास ऑलरेडी, शिवदास पब्लिकेशंस की अपनी, ये क्लास 12th की है, CBSE से रिलेटेड, ये हमारी है मैथमेटिक्स की। इसके अंदर आपको पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व मिल जाते हैं, उसके साथ साथ सैंपल पेपर तो मिलते हैं। भैया आप क्यों सजेस्ट कर रहे हो? मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखो इसके अंदर एक साथ एक बुक के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर मिलते हैं, उसके साथ साथ हर चैप्टर के छोटे माइंड मैप्स बोल लो या फिर 1-पेजर नोट्स वगैरह तो मिल ही जाते हैं। बट उसके साथ साथ मैं तुम्हें इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसकी तुम कॉस्टिंग देखोगे वो बहुत कम है। देखो यार अगर मैं आया हूँ, आपके अपने प्रशांत भैया आए हैं, तो कुछ ऐसी चीज ही लेकर आते हैं जो कि सस्ती होती है ताकि आपके लिए भी अफोर्डेबल हो। तो हमने इस चीज को बहुत अफोर्डेबल रख रखा है, एंड आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिंड कमेंट में भी आपको मिल जाएगी, तो जाकर आप ले सकते हो क्योंकि रेट बहुत कम है। एक बार क्लिक करके रेट जरूर देख लेना कि कितनी रेट है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, ध्यान से समझना। ये पॉइंट नंबर 3 वो प्रॉब्लम है तुम्हारी, वो आती है ना भैया यार ये टफ चैप्टर है कल से पढ़ूंगा, भैया मैथ समझ नहीं आती कल से पढ़ूंगा, वो जो आप बार बार बोले जा रहे हो ना खुद से, कल से पढ़ूंगा, उसका क्या सोल्यूशन है? देखो यार साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती है कि हम किसी काम से इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें वो काम पसंद नहीं होता। और ये पसंद जो है ना वो डिसाइड पता है कैसे होती है? एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो इमेजिन करो आपको मैथ पसंद नहीं थी, ठीक है? आपके मैथ पसंद नहीं थी। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि आपके मैथ में कभी भी स्कूल में अच्छे नंबर नहीं है आए ना। अगर आपके मैथ में 2 टेस्ट के अंदर अगर 100 में से 100 नंबर आ गए ना अगर आपके मैथ में केवल 2 टेस्ट के अंदर, तो आपको मैथ पसंद आ जाएगी। तो स्टडीज ये बोलती हैं कि हमारी पसंद ना पसंद हमारे रिजल्ट से डिपेंडेंट होती है। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपका वो फेवरेट होगा, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो वो आपको बहुत गंदा सब्जेक्ट लग रहा होगा, ये रियलिटी है। तो देखो हमें क्या करना है,
ये जो कल से पढ़ूंगा की प्रॉब्लम है ना, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वो जो मैं डेली टारगेट्स की अभी बात कर रहा था ना, उन डेली टारगेट्स को सिंपल बनाना है। सिंपल मतलब जो तुम अचीव कर सकते हो, ऐसा नहीं कि टारगेट्स इतने बड़े ले लिए कि एक दिन में 15 चैप्टर पढ़ लूंगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। कम लो, मतलब इमेजिन कर लो आपने टारगेट बना लिया 3 चैप्टर करने हैं, बस आज 3 चैप्टर करने हैं। उससे क्या होगा, ये तीनों चैप्टर तुम अचीव कर लोगे। जब तुम अपने डेली टारगेट्स को अचीव करोगे ना, तो तुम्हारा इंटरेस्ट बनता जाएगा पढ़ाई में, और कुछ टाइम बाद तुम देखोगे कि यार भैया ये जो मैं बोलता रहता ना कल से पढ़ूंगा, ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, तुम्हें मजा आने लगेगा। मजा कैसे आएगा, इस फॉर्मूले से। अगला पॉइंट देखो, ये पॉइंट उस चीज के ऊपर है जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? तुम्हें पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। बहुत सारे बच्चे जो कि अब कह रहे हैं भैया ठंड का टाइम चल रहा है, पढ़ने जाते हैं 15-20 मिनट बाद नींद आ जाती है, कम्बल ओढ़ के सो जाते हैं। होता है नहीं, होता है ना? तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? देखो, तुमने बहुत टेक्निक वाली वीडियो देख ली होंगी कि सीधे बैठो, स्टडी टेबल पे पढ़ो, वो सब है ना, बट उनसे कोई फायदा नहीं होता। मैं तुम्हें आज साइंटिफिकली टेक्निक बताता हूँ। देखो, साइंटिफिकली हम क्या फॉलो कर सकते हैं, हमारी एक टेक्निक होती है एक्टिव पैसिव सब्जेक्ट टेक्निक। ये क्या होती है, देखो दो प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं एक्टिव सब्जेक्ट्स, एक होते हैं पैसिव सब्जेक्ट्स। एक्टिव सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कुछ पोर्शंस, या फिर और भी इकोनॉमिक्स वगैरह, वो सब कौन से होते हैं हमारे, एक्टिव। पैसिव कौन से होते हैं, पैसिव वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें रटना पड़ता है, जैसे कि हमारे बायोलॉजी, SST, उस टाइप का सब्जेक्ट कौन से होते हैं, पैसिव। तो देखो, अगर तुम्हें इस नींद को भगाना है ना, तो हमें क्या करना है, हम चाहे पूरे दिन में पैसिव सब्जेक्ट पढ़ें, बट एक घंटे हमें एटलीस्ट 1 आवर एक्टिव सब्जेक्ट को पढ़ना है, 1 आवर एक्टिव सब्जेक्ट को पढ़ना है। या फिर इस टेक्निक को थोड़ा सा मॉडिफाई करो और मेरी बात ध्यान से समझो, अगर तुम्हें नींद को अवॉइड करना है ना, तो पता क्या करो, जैसे इमेजिन करो आपने एक चैप्टर का टारगेट लिया कि मुझे एक चैप्टर पढ़ना है, तो पहला चैप्टर होगा पैसिव टाइप का, उसके बाद जो दूसरा चैप्टर होगा वो एक्टिव का होगा, मतलब एक चैप्टर SST का, एक चैप्टर मैथ का, फिर SST का, फिर मैथ का। उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि जब हम एक्टिव सब्जेक्ट्स को कर रहे होते हैं, जैसे कि मैथ, फिजिक्स, इनमें हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है बहुत फटाफट से और हमें नींद नहीं आती, जबकि पैसिव सब्जेक्ट में हमें नींद आती है। तो हमें कॉम्बिनेशन बनाना होगा एक्टिव और पैसिव का। जो हमने इन दोनों का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बना लिया ना, तो जो नींद वाली प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। अगला पॉइंट एक स्टोरी से समझाता हूँ। देखो यार, ये एक स्टोरी मेरे स्कूल के टाइम की है। हमारे टीचर ने ना हमारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करा। क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने हमें मैथ का एक टेस्ट दे दिया, मैथ का एक सबसे कठिन सवाल दे दिया, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट प्रॉब्लम दे दी हमें स्कूल के अंदर, जब हम 10th के अंदर थे, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारी 50 स्टूडेंट्स की क्लास थी, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स की क्लास थी, तो दो टॉपर बच्चों को उठाया एग्जाम के बीच में, जब हम सब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वो टॉपर बच्चे भी सॉल्व कर रहे थे, किसी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, और बीच में उन दो बच्चों को उठाया और उन दो बच्चों को इजी सवाल दिए, उन दोनों बच्चों को एक एक आसान सवाल दिए, ठीक है, उन दोनों बच्चों को। और रिजल्ट क्या आया, उन दोनों से ही वो आसान सवाल सॉल्व नहीं हुआ। अब हमारे टीचर ने क्या करा, हमारे टीचर ने थोड़ी देर बाद, जब उन्होंने ये जो टफेस्ट सवाल दिया था ना क्लास में सबको, जब उसका सोल्यूशन करा दिया, उसको सबको समझा दिया, उसके बाद अलग दो बच्चों को बुलाया, और वो जो दो बच्चे थे ना वो टॉपर भी नहीं थे, वो बैक बेंचर्स थे। अब उन्होंने फिर से दो बच्चों को बुलाया, ठीक है, और इन दोनों को वही दो सेम सवाल दिए, और अब इन बच्चों ने, ये जो बैक बेंचर्स थे, इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो हम सब कंफ्यूज हो गए कि भैया यार सेम सवाल टॉपर्स को दिया हमारे क्लास के, तो वो कर नहीं पाए, और जब सेम सवाल बैक बेंचर्स को दिया तो सॉल्व कर गए, जबकि सवाल बहुत आसान था, मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल मान लो मैथ का ऐसा था। तो हमारे समझ नहीं आया, एंड देन हमारे टीचर ने हमें समझाया उस दिन, उन दो स्टूडेंट्स को मैंने बीच पेपर में उठाया। बीच पेपर में उनके दिमाग पे स्ट्रेस था, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मुश्किल सवाल कर रहे थे, तो उनके ब्रेन के ऊपर लोड था, और अब क्या हुआ, क्योंकि उनके दिमाग पे ऑलरेडी लोड था और मैंने एक और लोड डाल दिया, तो उनके दिमाग के ऊपर डबल लोड हो गया, और उस मेंटल प्रेशर की वजह से वो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। जबकि ये जो दो बैक बेंचर थे ना, ये मान लो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, बट फिर भी इनके दिमाग में कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि ये जो सवाल था ना मुश्किल वाला, वो तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो इन्होंने फ्री माइंड से सॉल्व करा और इनका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भैया हमें क्यों बता रहे हो, सुन मेरी बात, तुम्हें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार वो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना भैया, यार रिग्रेट होता है जब पढ़ नहीं पाते, भैया यार डर लगता रहता है, भैया रिजल्ट कैसा आएगा, भैया दोस्त तो बाहर मजे कर रहे हैं, भैया हमारी तो लाइफ ही ऐसी है, भैया हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते वो लोग, हमारे दोस्तों से हमारी बात नहीं होती, इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है भैया, स्कूल में दोस्त से लड़ाई हो गई, भैया लैला भी छोड़ के चली गई, इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। और तुम ये सोच रहे हो कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में अगर तुम 8-8, 10-10 घंटे की पढ़ाई कर लोगे, नहीं हो पाएगा। ये स्टोरी मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई क्योंकि यार हम
तुम्हारे दिमाग के ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर डाल सकते हैं। अगर तुम 10 चीजें एक दिन में सोचोगे तो केवल एक ही चीज है जिस पे तुम कंसंट्रेट कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, जितनी भी ये फालतू की चीजें ना अपने दिमाग से निकाल दो सबको। अब तुम पूछोगे भैया कहने को तो बहुत आसान है कि भैया ये सब अपने दिमाग से निकाल दो, बट ये निकलेगा कैसे? तो इसका सिंपल सा सलूशन है मेडिटेशन। अब तुम बोलोगे भैया यार ये कहाँ आ गया, पुराने जमाने वाले आप तो अपने प्रशांत भैया हैं, थोड़ा हमारे लेवल का सोचो, हम कहाँ मेडिटेशन कर पाएंगे। हाँ मैं भी नहीं करता मेडिटेशन, बट जो तुम्हें लगता है मेडिटेशन वो एक्चुअल में मेडिटेशन नहीं होता। समझाऊं एक मतलब, मेडिटेशन का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जब आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, एक ऐसी स्टेट जब आपके मन में कोई थॉट्स ना आए। ये स्टेट पता है कब आती है? जरूरी नहीं आपको बैठ के ध्यान लगाने, ये स्टेट तब आती है जब तुम फुटबॉल खेलने जाते हो, जब तुम्हारा फोकस केवल एक बॉल पे होता है और तुम्हें पूरी दुनिया में एक भी थॉट नहीं आ रहा होता, केवल तुम्हारे मन में होता है इस बॉल को वहां पर पहुंचाना है। जब तुम बैडमिंटन खेल रहे होते हो शटल के ऊपर पूरा तुम्हारा फोकस होता है, जब तुम क्रिकेट खेल रहे होते हो, जब तुम डांस कर रहे होते हो पूरा फोकस तुम्हारा डांस स्टेप्स पे होता है ना। तो मेडिटेशन केवल वहां तक सीमित नहीं है। दिन में एक ऐसी एक्टिविटी करो जो कि तुम्हें माइंडलेस बना दे, मतलब तुम्हारे दिमाग में एक भी थॉट ना आए। तो आई होप कि तुम समझ गए होगे कि भैया आखिरी स्ट्रेटेजी हमारी क्या थी, कि हमें हर रोज एक ऐसी एक्टिविटी करनी है जो कि हमें थॉटलेस स्टेट में डाल दे, जिससे कि हम हमारे माइंड से सारी चीजों को निकाल पाएं और हम पढ़ाई पे फोकस कर पाएं। तो अगर इन तुमने 4 या 5 टिप्स को फॉलो कर लिया मेरे दोस्त, अगले 30 दिन के अंदर मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूँ तुम्हारी जो लॉन्ग टाइम स्टडीज वाली प्रॉब्लम है ना कि भैया 1 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं पाते, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। और एग्जाम बहुत नजदीक है, इनको फॉलो करो, अगले 30 दिन तक फॉलो करो। और याद रखना वो जो कमेंट वाली बात थी ना वो मत भूलना सभी के सभी। आज आपका जो गोल है, जो आपका वाई है, why you want to do this, वो जरूर कमेंट करके जाओ। On this note, शुक्रिया everyone, मेरा नाम है प्रशांत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट तो जरूर करना, बट उसके साथ साथ हमारा एक मोटिव है कि हम एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन ला पाएं। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस अपने एक मित्र के साथ शेयर कर देना है। मैं कभी नहीं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब करो, बट मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, अपने क्लास ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दो, ताकि हमारा ये जो मोटिव है ये पूरा हो पाए। शुक्रिया everyone, मेरा नाम है प्रशांत।